फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पेपर एग फ्राई। इसके लिए हमने लिया है ये 4 अंडे उबले हुए, जिसे हमने अच्छी तरह उबाल लिया है। और हमने लिए मसाले में ये धनिया, साबुत धनिया लिया हमने, काली मिर्च, जीरा और ये सौंफ, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई धनिया पत्ता, 4-5 करी लीव्स, नमक, 2 छोटे साइज के कटे हुए प्याज बारीक कटे हुए, फ्राई करने के लिए ऑयल और 1 गरम मसाला। तो सबसे पहले हम ये जो चारों मसाले हैं इनको हम भून लेंगे अच्छी तरह। एक से 1.5 मिनट तक इसे हम भूनेंगे। तो चलिए हम इसे भून लेते हैं। और हम इसे भून के इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में इसे पीस लेंगे। हमें ज़्यादा इसे बारीक नहीं पीसना है और ना ज़्यादा मोटा। तो चलिए, इधर हमने कढ़ाई में तेल डाला, गरम होने देंगे तेल को। और हम ये कटे हुए प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ा पकने देंगे, इसे ऐसे चला के पकाएंगे हम हल्का ब्राउन होने तक। तो अब हम इसमें ये 4-5 करी लीव्स है वो डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे हम अच्छी तरह भूनेंगे। एक से 1.5 मिनट तक। और इसे हम थोड़ा ढक देंगे। तो अब हम इसमें ये जो मसाले हमने पीसे थे भून के वो डाल देंगे। अच्छी तरह मिला लेंगे इसे हम। ये हमें धीमी आंच पे ही भुनना है। तो इसे हम 1-1.5 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। उसके बाद हमने इसे खोला, देखिए हमारा भून गया है। तो अब हम जो हमने 4 अंडे लिए थे उसे बीच से हमने काट लिया था वो इसमें डालेंगे हम इस तरह से। और इसे हम हल्के हल्के मसाले में मिलाएंगे। तो अब हम ये जो गरम मसाला लिया था हमने ये गरम मसाला डाल देंगे। नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वादानुसार डालें। और अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच
पानी मिलाएंगे और इसे फिर हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और इसे 4 से 5 मिनट तक हम धीमी आंच पे ढक देंगे पकने के लिए। उसके बाद 4 से 5 मिनट के बाद तो देखिए ये हमारा पेपर एग फ्राई लगभग रेडी है। हम इसे धीरे धीरे से पलट देंगे हल्के हाथों से। और अब हम इसमें जो हमने कटे हुए धनिया पत्ता लिया था उसे डाल देंगे इसे। तो चलिए ये हमारा पेपर एग फ्राई रेडी है। इसे हम सर्व करने के लिए अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।